गुड मॉर्निंग, हेलो, सलाम, नमस्ते, कैम छो। लास्ट वीडियो में आपने दीव के 3-4 मेन पॉइंट देखे थे, मेन जगह जो है दीव में वो सब देखी थी और कुछ जगह बाकी रह गई थी। जो जगह बाकी रह गई थी उसे आज हम कवर करेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ये जो जगह है वो है INS कुकरी। इस वक्त मैं INS कुकरी पर हूँ। यहाँ पर आपको पीछे दिखेगा INS कुकरी का मेमोरियल बना हुआ है। तो चलते हैं उस तरफ और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वहाँ से हम आए हैं पार्किंग करके और ये देखो पूरा समुद्र है और ये मेमोरियल बना हुआ है INS कुकरी का। और इस तरफ भी आपको समुद्र दिखेगा, पूरा इस तरफ समुद्र है। ये जो जगह है वो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छा लोकेशन है। ऊपर यहाँ से INS कुकरी जाने का रास्ता है, लेकिन ये जो मंदिर दिख रहा है उसको देखकर और फिर ऊपर जाएंगे। और पीछे आप देखो पूरा समुद्र है चारों तरफ। ये देखो ये मंदिर है, यहाँ से नीचे की तरफ। ये भी पहले गुफा मंदिर था, आपको दिखेगा देखो एक इस तरह से बना हुआ है। सामने मंदिर है और ये देखो पूरी गुफा है, ये पुरानी जो समुद्र पत्थर होते हैं ना उसकी गुफा बनी हुई है इस तरह से। मंदिर से निकल के ये यहाँ का नज़ारा देखो, समुद्र पूरा बढ़िया दिख रहा है एकदम पास में। यहाँ पे नीचे सारी चट्टाने हैं। तो ये है वो मंदिर जिसके दर्शन अभी हमने किए और अभी चल रहे हैं ऊपर INS कुकरी की तरफ। ये देखो ये है INS कुकरी मेमोरियल। तो ये है INS कुकरी मेमोरियल। INS कुकरी जो है वो एक युद्धपोत था और 1971 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर में पाकिस्तान की पनडुब्बी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो INS कुकरी के उस समय जो कैप्टन थे वो महेंद्र थे जहाज के। तो कैप्टन ने सबको बाहर निकालने की कोशिश की और हो सके उतने लोगों को बचाया। हालांकि इसमें ट्रेजडी काफ़ी हुई, 194 लोग इस शिप के साथ पानी में डूब गए थे और कैप्टन महेंद्र भी थे उनमें। और उनके सबके नाम रैंक के साथ ये जो आपको ग्लास दिख रहा है उसके ऊपर लिखे हुए हैं। इस तरह का वॉरशिप था वो सेम, उसका डेमो यहाँ रखा हुआ है मेमोरियल में। तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इसकी। इसके जो कैप्टन थे वो एक हीरो थे, चाहते तो सबसे पहले बाहर जा सकते थे क्योंकि कैप्टन रैंक के आदमी थे वो, लेकिन उन्होंने सबको बचाना पहले प्रायोरिटी समझा और शिप के साथ में फिर वो अंत में पानी में समाधि ले ली उन्होंने। सारे लोग जो थे उनके साथ में 194 जितने सब पानी में डूब गए। तो ये है INS कुकरी मेमोरियल, देख लो आप। फिर चलते हैं यहाँ से। पीछे मेमोरियल दिख रहा होगा आपको, ये सीढ़ी है वहाँ से नीचे आते हैं और ये चारों तरफ का नज़ारा। तो काफ़ी अच्छी जगह है, समुद्र जो एकदम पास में है। आप इधर आधा एक घंटा शाम के समय आके बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस वक्त दोपहर में आया हूँ तो थोड़ी धूप है, लेकिन अगर आप जब आओ यहाँ तो शाम के समय आना, आपको अच्छा लगेगा। और ये देखो काफ़ी अच्छी बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी अच्छा डेवलप किया है इसको। तो ये था INS कुकरी स्मारक और अभी यहाँ से चलते हैं।
तो ये है दीव का प्रसिद्ध गंगेश्वर महादेव मंदिर। तो ये मंदिर की एंट्री है, आप देखो मंदिर नीचे की तरफ है, तो नीचे चलते हैं। ये वो मंदिर है यहाँ पर, और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका जो अभिषेक है वो समुद्र खुद करता है। पांडवों ने ये शिवलिंग बनाए थे और इसका अभिषेक समुद्र का पानी करता है, ये इसकी खासियत है। तो अभी इस वक्त थोड़ा पानी कम है, लेकिन जब समुद्र में भर्ती आती है, ज़्यादा पानी होता है, हाई टाइड होता है, तब वो पानी यहाँ अंदर आता है। और ये जो पांचों आपको शिवलिंग दिख रहे हैं, इनके ऊपर पानी अच्छे से इनका अभिषेक करता है। दीव में कभी भी आप आते हो तो इस जगह को मिस मत करना। जो अभी मैंने आपको INS कुकरी दिखाया उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। तो ये देखो आप, पानी थोड़ा थोड़ा अंदर आना शुरू हो गया है, ये देखो। तो इस तरह से ये अभिषेक होता है यहाँ का। तो नीचे यहाँ पर मंदिर था, वहाँ से इस सीढ़ी से ऊपर आए हैं, और ये पूरा समुद्र है देखो आप। और यहाँ से भी अच्छा नज़ारा है, ये व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पर बैठ के हम देख सकते हैं अच्छे से नज़ारे को। तो काफ़ी अच्छी जगह है। पानी कम था इस वजह से मैं आपको वो नज़ारा नहीं दिखा पाया, बाकी जो शिवलिंग के ऊपर पानी पूरा घूम जाता है और उसका अभिषेक करता है, वो नज़ारा बहुत बढ़िया होता है। लेकिन वक्त निकल गया है हाथ से, 1 घंटा हो गया है यहाँ पर, आगे भी जाना है, तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। गोगला बीच पर, आप देखो पीछे लिखा हुआ है गोगला सी फ्रंट पार्क। तो चलते हैं गोगला बीच के अंदर और देखते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा। ये जो गोगला बीच है इसको ब्लू फ्लैग टैग मिला है। अब ये ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल इंडिया में इस वक्त 10 ब्लू फ्लैग टैग बीच है, उसमें से एक दीव में है ये वाला गोगला बीच, और एक शिवराजपुर गुजरात में है द्वारका के पास। तो जो बीच एकदम साफ़ सुथरे होते हैं, पानी एकदम साफ़ होता है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है और सब कुछ सुविधा उपलब्ध होती है जो बीच पे होनी चाहिए, उन बीच को मिलता है ब्लू फ्लैग टैग। तो ये गोगला बीच है और इसको मिला है ब्लू फ्लैग टैग। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है, तो लोग अभी नहीं है, इस समय खाने का समय होता है, लंच टाइम होता है, तो लोग नहीं है। लेकिन आप बीच देखो कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा है, आपको यहाँ पर कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी, और पूरा सफ़ेद बीच है, ये वाइट सैंड बीच बोलते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे व्यू पॉइंट बनाए हुए देखो आप, और आगे वो झोपड़ी वगैरह रखी हुई है, नीचे से आप अच्छे से बीच को देख सकते हो बैठ के। आप देखो एकदम साफ बीच है, ज़रा सा भी कचरा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, स्पेशल लोग रखे हुए हैं कचरा उठाने के लिए, सफाई करने के लिए, और सेफ्टी के लिए पीछे देखो गार्ड्स वगैरह वहाँ रहते हैं। बाकी वहाँ पर आगे वाटर स्पोर्ट्स भी है, तो थोड़ा आगे चलते हैं।
पूरा वहाँ से ये बीच स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप देखो सब आपको दिखेगा बैठने का वगैरह बनाया हुआ है। ये पूरा बीच के किनारे किनारे पूरा गार्डन डेवलप किया हुआ है और यहाँ पर भी देखो ये बैठने वगैरह के लिए अच्छी खासी सुविधा बनाई है। और बाकी यहाँ पर ये पूरा वाटर स्पोर्ट्स होता है आगे और ये बीच है। इसको क्लीन करने का क्या प्रोसीजर है, कितने कितने टाइम में क्या कैसे होता है, जरा बताइए ना। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 2 घंटा लंच रहता है। अच्छा, फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक, तो 2 से 6 तक ये लोग घूमते रहते हैं बीच में साफ करने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप लोगों को ब्लू फ्लैग टैग मिला इसके लिए। थैंक यू सर। और आप ऐसे ही इसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। थैंक यू। पानी देखो कितना साफ़ है, नीचे की मिट्टी तक दिख रही है, एकदम साफ पानी है ये। बीच एकदम साफ है और आप देखो बीच के साथ साथ आसमान भी कितना साफ है। वाटर एक्टिविटी सब कुछ है यहाँ पर। और क्या रेट वगैरह है तो इनसे पूछते हैं ज़रा, ये यहाँ के क्या आप कौन हो? अच्छा, ये यहाँ के मैनेजर है वाटर स्पोर्ट्स के। क्या रेट वगैरह क्या है? रेट उसमें स्पीड बोट का 200, स्पीड बोट का 200, जेट्स की 300, बनाना 300, ओके, कपल रिंग 300, फ्लाइंग बनाना 300, सब 300 का ही है लगभग। पैरासेलिंग बाय पावर बट 1000, पैरासेलिंग का खाली 1000 रुपया है, बाकी सबका 300 रुपये है आसपास। स्पेशल में डॉल्फिन दिखाते हैं तो ये लोग यहाँ पर डॉल्फिन भी दिखाते हैं, बीच समुद्र में आपको ले जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर आपको डॉल्फिन दिखाएंगे, तो उसका 1500 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। तो अच्छी जगह है, सारी एक्टिविटी होती है, वाटर एक्टिविटी सब कुछ है यहाँ पर। फैमिली वालों के लिए बढ़िया बीच है ये, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक अलाउ नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग भी थोड़े कम आते हैं, क्योंकि लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं दीव में और उसके लिए वो नागवा बीच पर जाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप चाहो तो नागवा बीच जा सकते हो आपको खाना पीना हो तो, और अगर आपको सिर्फ खाना हो पीना नहीं हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, दीव की सारी लगभग सारी जो मेन जगह है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो